सरकारी बजट को कैसे ठिकाने लगाया जाता है, इसकी बालवी टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में समय समय पर देखने को मिलती रही है। यहाँ मोटर मार्ग पर की गई पेंटिंग उखड़नी शुरू हो गई है। 8 किलोमीटर के इस मोटर मार्ग पर कई जगहों पर सड़क के बीचों बीच घास उगाई है। ग्रामीणों में कार्यदायी संस्था के खिलाफ काफी रोष है। आगे आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। विकासखंड कीर्तिनगर के अंतर्गत ग्राम मुंडोली से गुरोछोली मोटर मार्ग पर चल रही पेंटिंग उखड़नी शुरू हो गई। आलम यह है कि 8 किलोमीटर के इस मोटर मार्ग पर कई जगहों पर सड़क के बीचों बीच घास उग गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मोटर मार्ग पर गुणवत्ता से काम नहीं किया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि मोटर मार्ग 1 महीने के अंदर ही खस्ताहाल हो चुका है, जगह जगह डामर उखड़ गया है, जिस पर रिपटने से दुपहिया वाहन चालक भी चोटिल हो जाते हैं। ग्रामीण कुलदीप राणा का कहना है कि लंबे समय से मोटर मार्ग पर पेंटिंग का काम किए जाने की मांग की जा रही थी। पेंटिंग का काम शुरू हुआ लेकिन गुणवत्ता के ना होने से जगह जगह पर पेंटिंग उखड़नी शुरू हो गई। कहा कि पहले मोटर मार्ग का कई PMGSY के अधीन चल रहा था, लेकिन मोटर मार्ग के पेंटिंग का काम लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर अब कर रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि संदर्भ में पहले भी विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद भी घटिया गुणवत्ता के साथ काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि मोटर मार्ग पर बीचों बीच दूरी काफी कम है और साथ ही साथ जो घास है वो भी उग गई है, जिसकी वजह से पूरी सड़क खराब हो गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटर मार्ग पर गुणवत्ता को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि मोटर मार्ग के पेंटिंग का काम अंतिम चरण पर चल रहा है। विभागीय अधिकारियों से इस मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द मोटर मार्ग के पेंटिंग का काम गुणवत्ता से कराए जाने की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से वहां के लोगों का कहना है और वहां के सहायक अभियंता, उनसे भी उन्होंने बात की, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सर, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि में ले जाऊंगा। तो कम से कम लगातार ग्रामीण इस रोड की पेंटिंग की ले कम से कम दो तीन सालों से लगातार संघर्षरत है। बड़ी मुश्किल से अगर अभी पेंटिंग हुआ भी है तो टेंडरिंग हुआ, जो भी हुआ उसके बाद रोड बकायदा ठेका को बोलने के बाद समस्त ग्रामीण लोगों का यह कहना है कि रोड को मुश्किल से दो महीने तो बहुत दूर की बात है, 1-15 दिन में ठीक जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोगों ने हाल ही स्थिति देखी होगी कि रोड में पूरी घास जम चुकी है। अभी रोड पेंटिंग हाल में चल रही है, अभी आप लोगों के सामने तो अभी थोड़ा मार्ग सही बन भी रहा है, लेकिन इससे पीछे आप जाओगे, आप आगे चलना, मेरे साथ चलना, आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट साहब स्थिति क्या है। अब विभाग का कहना है, विभाग से जब बात की तो उनका कहना है कि हमारा साहब हमारा जो नॉर्म्स है उसमें 20 mm में ही इसमें गिट्टी पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे देखने से तो 20 mm भी पूरी गिट्टी नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, जहाँ पेंच है, जहाँ ये गड्ढे हो रखे हैं, वहाँ पे नियम कानून से होना कहता है कि उसमें तारकोल पड़ता, उसके बाद उसमें गिट्टी भरनी थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सीधे यहाँ पे पत्थर भरे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई तार कुछ नहीं है, पानी है इसमें कम से कम 50% से ऊपर पानी की मात्रा है, ये आप लोग देख सकते हो। दूसरी बात, संबंधित जब ठेकेदार जी से या संबंधित जे हिसाब से बात की तो उन लोगों का क्या कहना है कि भाई हमारे नॉर्म्स में यही है, हमारे नॉर्म्स के आधार पर सही हो रहा है, आपको जाँच करवानी है करवाइए, आपको जो करवाना है करवाइए, लेकिन उनके अनुसार सही हो रहा है कि, लेकिन ग्रामीण हम सभी लोगों के अनुसार एकदम सही नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी आप चलोगे, आप रोड में चलोगे तो कोई भी अंतर नहीं है कि गोल कुछ पेंटिंग का, ऊपर वो खबड़ वही है, पेंच वही उखड़ रहे हैं, गड्ढे जो थे वो गड्ढों में सिर्फ मिट्टी भरी है, हल्का सा पत्थर भरे हैं और उसमें ऊपर से डामरीकरण कर दिया। बताने के लिए कोशिश की कि जैसा आप देखो ये आपकी, हमने मतलब पाँव से ये थोड़ा निकालने की कोशिश की कि जैसा आप देखो ये कैसे निकल रहा है, अभी तो साले इसको मतलब नहीं उखड़ना चाहिए था। तो जैसा होगा भाई आप इसे ऐसा कैसे निकाल सकते हो, आप बिना उसके आपको जांच करवानी है, आप जांच करवाइए, आप किसी को बुलाना है बुलाइए, लेकिन आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो। तो हमने ठीक है, हमें उनको अगर आपत्ति हुई तो हमने उसके बाद रोक दिया, लेकिन वो जग जाहिर है कि रोड की स्थिति क्या है और क्या है, बद से बदतर मुझे लगता है कि ये डामरीकरण नहीं है और बद से बदतर होने की स्थिति में है। क्योंकि जब 2 दिन बाद ये पेंटिंग क्लियर हो जाएगी, गाड़ियाँ इससे चलेंगी, तो पहले से भी बद से बदतर स्थिति रोड की हो जाएगी जहाँ तक हमें लग रहा है। तो साहब मेरा इसमें यही बोलना है, अगर ये आवाज़ हमारे कहीं तक पहुँचती है तो थोड़ा इस उचित कार्रवाई हो, इसमें थोड़ा इसमें मानक के हिसाब से इसमें काम हो, और आने वाला जो आगे काम है, इस कवर हैं, ये पूछते हैं, इन कामों में थोड़ा विशेष गुणवत्ता अगर परखी जाए तो वो अच्छा होगा। गुणवत्ता पे तो पूरा ध्यान दिया जाए। मैं साइट पे 70% यहीं पे साइट पे रहता हूँ, अपने सामने काम कराता हूँ, बाकी पूरी रोड आप एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी शिकायत नहीं है, बढ़िया काम हो रहा है। कितना किलोमीटर है ये है? 8 किलोमीटर। इसकी थिकनेस है 20 mm, 2 सेंटी पीसी है ब्लेज रोड के लिए, और इसकी थिकनेस 20 mm होती है। ये सेट तो अब आजकल गर्मी में क्या होता है कि बिटुमिन कोल तार जो है गर्मी से जो है पिघलता है, पिघल के मेल्ट होता है वो, तो गर्मी में तो ये लूज हो जाएगा, मतलब गर्मी से पिघल जाएगा, जैसे ठंडा होगा आप रात को चेक करोगे तो हार्ड हो जाएगी सर पे, दिन में चेक करोगे तो पिघल करके ऐसे हो जाएगी। इस रोड का सर ये है, देखो जो आप भी आए, आपने रोड का देखा,
हम इस रोड से संतुष्ट नहीं है, जो रोड पे काम चल रहा है सभी बोल रहे हैं कि इस रोड पे काम ढंग का नहीं हो रहा है। ये रोड मुश्किल से दो महीने भी मुश्किल से चलेगी ये रोड। अभी पत्थर निकलने लगे, घास रोड में घास होने लगी अभी से, तो इस रोड का इसकी जाँच होनी चाहिए। हम सरकार से ये मांगे कि इसकी जाँच होनी चाहिए। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड की जाँच होनी चाहिए और जो भी इसमें गलतियाँ हैं, जो भी इसमें सुधार हो सकता है सुधार की कोशिश। आप बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से काम बिल्कुल सही हो रहा है, तो हमारी वही है कि अगर सही हो रहा है तो इसकी जांच हो, सही है तो सही है, अगर नहीं है तो इसकी खुलासा हो इसी का पूरा। क्या नाम आपका? इसका सही ये कारण है कि रोड का जो कार्यकर्ता वो सही ढंग से नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम है इसकी। अभी आप देख रहे हो कि सामने घास अभी से 15-20 दिन पहले एक काम हुआ था, जिस पर देखो अभी घास उगने शुरू हो गई है, तो इसका कार्य मेरे हिसाब से तो सही नहीं हो रहा है। हम पे ध्यान दिया जाए, सही ढंग से काम प्रॉपर हो। तो ये कहा जा सकता है कि भले ही शासनादेश हो कि हर एक सड़क को गड्ढा मुक्त करना है, हर एक सड़क को सुंदर बनाना है और ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ बनाना है, लेकिन शायद प्रशासन कई बार आंखें मूंद लेता है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं।